बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करा दिया है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में आज AISF ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान AISF ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि सरकार पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका विरोध में कुल बुधवार के दिन AISF कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सड़क पर उतरेगी। फरमान जारी किया है, उस फरमान में सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान सब बंद किए जाएंगे और पढ़ाई को पूरी तरह से ठप किया जाएगा। सरकार ये कोरोना का डर दिखा रही है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से नाकामी है, या तो सरकार पढ़ाई को सबसे फिजूल चीज़ समझती है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि अभी बिहार के अंदर में भी चुनाव कराएंगे, अभी 5 राज्यों के अंदर। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड स्थित पीरन नगरा पंचायत के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर है, लेकिन उद्घाटन समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी और इसमें सबसे बड़ा हाथ JDU विधायक पन्ना लाल सिंह का रहा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य किया गया, लेकिन समारोह में उमड़ी भीड़ के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे श्यामजी बाबू, जिस समय में यहाँ का स्वीकृति हुआ पीरनगरा का, उस समय में बेलदौर प्रखंड में 4 पंचायत। देश के 5 राज्यों में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस बीच तमिलनाडु में BJP ने कमल हसन की बेटी श्रुति हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। BJP ने आरोप लगाया कि श्रुति हसन ने 6 अप्रैल को मतदान के दिन अपने पिता और एक्टर कमल हसन के साथ कोयंबटूर साउथ पोलिंग बूथ का दौरा किया। आपको बता दें कि MNM प्रमुख कमल हसन कोयंबटूर साउथ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। BJP ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर अभिनेत्री श्रुति हसन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।